दीपिका पाडुकोन की मां की इस आदत से परेशान हो गए थे घर वाले, निकालना चाहते थे घर से बाहर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पाडुकोन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म छपाक को लेकर सुर्खियों में है। दीपिका का पहला लुक रिलीज हो गया है, जो फिल्म इंडस्ट्री और फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच दीपिका पाडुकोन की माँ का इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू के दौरान दीपिका की माँ ने बताया कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि पति और दोनों बेटियाँ मुझे घर से बाहर निकालने का सोच रहे थे। पाडुकोन की मां उज्ज्वला पाडुकोन ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया। इंटरव्यू के दौरान उज्ज्वला पाडुकोन ने कहा कि मेरे पिता ब्रिटिश बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हुए हैं, इसी के चलते वो काफी अनुशासन में रहते थे। यही माहौल घर पर भी था, मुझे में भी इसी वजह से अनुशासन में रहने की आदत आ गई। दीपिका की माँ ने आगे कहा, मेरे घर में हमेशा सख्त रूल थे और इसी वजह से मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी। शायद यही वजह है कि मेरे पति और दोनों बेटियां मुझे घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे थे, वो मेरे व्यवहार से परेशान हो गए थे। आपको बता दें कि हर माँ और बेटी के रिश्ते की तरह ही दीपिका और उनकी छोटी बहन अनीशा का अपनी माँ से प्यार भरा रिश्ता है। दीपिका की शादी के दौरान और अक्सर जो तस्वीरें सामने आती रहती हैं, उनमें दोनों की बॉन्डिंग साफ नजर आती है। दीपिका पाडुकोन और रणवीर सिंह ने दोनों रिवाजों से शादी की, कोकनी और सिंधी। इन दोनों ने विदेश में जाकर शादी की थी। इस शादी में कुछ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। शादी के बाद दीपिका और रणवीर ने कई रिसेप्शन भी दिए, जिसमें बॉलीवुड, राजनीति और खेल जगत की हस्तियां पहुंची थी। फिल्मों की बात करें तो दीपिका इस वक्त छपाक की फिल्मों की शूटिंग में बिजी है। यह फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। फिल्म को फॉक्स स्टार दीपिका पाडुकोन के एंटरटेनमेंट और मेघना गुलजार मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म में दीपिका पाडुकोन के साथ विक्रांत मैसी नजर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।